भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदुओं पर कहर बरपा है। यहां भीड़ ने कम से कम 14 जगहों पर हिंदुओं के प्रार्थना स्थलों को निशाना बनाया है। इन मंदिरों में से मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। एक आंकड़े के मुताबिक बीते समय बांग्लादेश में 128 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया था। इस नए हमले से लोगों में खौफ भर गया है। ये हमले बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी इलाके के ठाकुर गाँव में किए गए हैं और शनिवार रात से लेकर रविवार दिन तक मंदिरों को निशाना बनाया जाता रहा है। ठाकुर गांव की बलिया डांगी में एक हिंदू नेता विद्यानाथ बर्मन ने बताया कि भीड़ ने अंधेरे में मंदिरों पर धावा बोला। कम से कम 3 गुटों में लोगों ने मंदिरों को निशाना बनाया और उन्होंने 14 मंदिरों को निशाना बनाया। इन मंदिरों में रखी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। विद्यानाथ बर्मन बलियाडांगी में पूजा उत्सव परिषद के महासचिव हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने बताया कि मूर्तियों को तोड़कर तालाबों में फेंक दिया गया। स्थानीय नेता समर चटर्जी का कहना है कि ये इलाका अपेक्षाकृत शांत रहता है, कभी ऐसी घटना यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन इस बार हिंदुओं को निशाना बनाया जाना ये बताता है कि फिजाओं में कोई जहर घोल रहा है। बलियाडांगी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज खैरुल अनम ने आधिकारिक बयान में बताया कि शनिवार और रविवार को लोगों ने मंदिर को निशाना बनाया। इसे सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है ताकि फिजाओं में जहर खुले और दोनों समाज के बीच खाई पड़ जाए। अनम ने कहा कि पुलिस अपराधियों का पता लगाकर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। खैरुल अनम ने कहा कि ऐसे अपराध करने वालों को कानून से सजा दिलाई जाएगी। बांग्लादेश में लगातार हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इस खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV भारत।